I will explain in brief one of the important constitutional doctrine and then doctrine is doctrine of eminent domain. अब ये जो particular doctrine है ये एक ऐसी legal doctrine है जो government को authority देती है कि जो कोई भी private individual की property को ले सकता है लेकिन कब जब ही reason हो public benefit का पब्लिक वेलफेयर का. सो पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट जो है कोई भी इंडिविजुअल की लैंड जो है उसको एक्वायर कर सकता है. अब इस पर्टिकुलर जो प्रोविजन है इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का ये प्रोविजन कहाँ पर मेंशन किया है आर्टिकल 300A में. मतलब कि 300A जो है वो ही गवर्नमेंट को वो पावर देता है वो अथॉरिटी देता है कि वो कोई भी इंडिविजुअल की प्राइवेट लैंड को एक्वायर कर सकता है लेकिन रीजन होना चाहिए पब्लिक पर्पस. जब मैं बोल रही हूँ पब्लिक पर्पस तो पब्लिक पर्पस का कोई एक्सप्लिसिट डेफिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है लेकिन हमें यही समझना है कि जब भी हम पब्लिक पर्पस बोलते हैं तो इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इन लार्ज. पब्लिक बेनिफिट के लिए होना चाहिए. मान लो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो या फिर कोई अर्बनाइजेशन का प्रोजेक्ट हो या फिर कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्रोजेक्ट हो तो ये जो सारे प्रोजेक्ट है वो पब्लिक पर्पस को सर्व करेंगे. ठीक है. और ये पर्टिकुलर जो डॉक्ट्रिन है वो इवॉल्व हुई थी इंग्लैंड में और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसको मॉडिफाई करके इसके जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 300A में इंसर्ट किए हैं. इज दिस क्लियर. अब ये डॉक्ट्रिन की हमें सिग्निफिकेंस भी समझनी होगी. ये सिग्निफिकेंट क्यों है. पहला तो है कि इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन की वजह से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा ऑब्वियसली कोई ना कोई लैंड तो बीच में आएगी और अगर मान लो गवर्नमेंट को पावर नहीं मिलता कि वो एक्वायर करेगा तो वो कैसे बना सकता था ऐसे प्रोजेक्ट. तो कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्रिन जो है वो हेल्पफुल हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट करना चाहता है और उस दौरान अगर कोई भी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो एक्वायर करना चाहता है तो वो कर सकता है. सो ये इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का. लेकिन ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में कॉम्पनसेशन की बात की भी की है. सेकेंड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो डॉक्ट्रिन है उसके वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है. कैसे हो रहा है तो मान लो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी. सो ऑब्वियसली इस इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो रहा है. इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो रहा है तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है. सो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये जो सारी एक्शन है वो क्या कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा रही है. तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंड सिग्निफिकेंट ये है कि हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थर्ड क्या काम करती है ये तो हम बोल सकते हैं इट ऑल्सो इंश्योर्स एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फेयर कॉम्पनसेशन टू द लैंड ओनर्स. मतलब इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में ये गारंटी ली है इसमें बोला है कि गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंटली जिसकी भी वो प्रॉपर्टी लेता है उसको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. ये हाईलाइट किया है इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में. तो इसलिए चौथा सिग्निफिकेंस इसलिए है कि इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में ड्यू प्रोसेस की भी बात बोली है. अब ये ड्यू प्रोसेस क्या होता है ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा मतलब गवर्नमेंट को. हाउ फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है तो वो एक्वायर करने से पहले उसको नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी. मतलब ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा कोई भी इंडिविजुअल की लैंड बीच में आ रही है तो गवर्नमेंट उसको यूं ही उठा लेता है. नहीं उस पर्टिकुलर लैंड को हम एक्वायर करने वाले हैं तो उसके लिए एक नोटिस भेजना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लैंड ओनर को. सो प्रायर नोटिफिकेशन दिए बिना गवर्नमेंट कोई भी लैंड को एक्वायर नहीं कर सकता है. तो इसलिए ड्यू प्रोसेस आता है इसमें. सेकेंड थिंग ड्यू प्रोसेस में ये भी आ जाता है कि गवर्नमेंट को उनको सफिशियंट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. किस वजह से अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भाई उसकी जो लैंड है उस लैंड के रिलेटेड उसको जो भी कॉम्पनसेशन चाहिए तो वो कॉम्पनसेशन को नेगोशिएट कर पाए उतना उसको अपॉर्चुनिटी भी देना पड़ेगा और वो देता है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन जो है वो कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस को भी ध्यान में रखे हुए बनी है. तो ये फोर्थ सिग्निफिकेंस आ जाएगा. फिफ्थ सिग्निफिकेंस ये है कि नेसेसिटी की बात कर रही है इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन. नेसेसिटी का मतलब क्या होता है कि ये डॉक्ट्रिन ने ये बोला है कि
एसी वाली डॉक्ट्रिन गवर्नमेंट तब यूज कर सकता है जब बहुत ज्यादा जेन्युइन रीजन हो। अगर देर इज ए जेन्युइन नीड तो ही गवर्नमेंट जो है वो कोई भी इंडिविजुअल की प्राइवेट लैंड को ले सकता है, अदरवाइज वो किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेट लैंड को नहीं ले सकता है। मतलब कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये इतना अच्छा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और ये लैंड जो है आपकी वो मुझे बीच में आ रही और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मैं आपकी लैंड जो है वो नहीं लेता। तो कोई जेन्युइन रीजन है तभी जाके गवर्नमेंट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन को यूज कर सकता है, अदरवाइज वो यूज नहीं कर सकता है। तो ये भी सिग्निफिकेंट है। और लास्ट हम बोल सकते हैं कि एक फेयर प्रोसेस है। इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ने हाईलाइट किया है कि बैलेंस फॉलो करना पड़ेगा। बैलेंस किसमें? तो इंडिविजुअल राइट्स और पब्लिक वेलफेयर, ये दोनों को हमें लाना है, तो दोनों को बैलेंस करना होगा और ये दोनों के सेफगार्ड के बारे में भी सोचा गया है। तो इस डॉक्ट्रिन के थ्रू ऐसा एम्फोसाइज किया है, गवर्नमेंट जब भी कोई भी इंडिविजुअल की प्राइवेट लैंड लेती है तो इट शुड एंश्योर, इनफैक्ट इट शुड सेफगार्ड प्रॉपर्टी ओनर्स राइट एज वेल एज दी पब्लिक वेलफेयर इंटरेस्ट। सो दोनों को ध्यान में रखकर जब होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये फेयर प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गई सिग्निफिकेंस की बात। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है, क्या इस डॉक्ट्रिन के लिए हमारी कंट्री में ऐसे कोई लॉज है जो इस डॉक्ट्रिन को गवर्न कर रहा है। ये ऑब्वियसली दो ऐसे लॉज है जो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को गवर्न करता है। एक है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का लॉ। इस पर्टिकुलर लॉ में क्या लिखा था कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को ले सकता है, कारण क्या होना चाहिए? पब्लिक पर्पस। बट इस पर्टिकुलर एक्ट में क्रिटिसिज्म था। क्या क्रिटिसिज्म था? फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये था कि भाई जो भी लैंड लेते थे गवर्नमेंट उसको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था। सो इन एडिक्वेट कॉम्पनसेशन ये इसका फ्लॉ था। सेकेंड जो था कि जो भी पीपल डिस्प्लेस हुए हैं वो लैंड के थ्रू, तो उनका रिहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये दो क्रिटिसिज्म थे, इसीलिए 2013 में और एक एक्ट पास हुआ और उस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टली, लार एक्ट। इसका फुल फॉर्म है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। और इस पर्टिकुलर एक्ट ने वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर, मतलब इस एक्ट ने कमिटमेंट ले लिया कि जो भी फैमिलीज है, जो भी लैंड ओनर्स है जिसकी हम लोग लैंड ले रहे, उसकी वेलफेयर की हम कमिटमेंट ले रहे। इनफैक्ट उनको जस्ट कॉम्पनसेशन मिलेगा और उनकी रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा। सो इन अ वे ये जो एक्ट थी उसने बैलेंस करने की कोशिश की दोनों के राइट्स को, एक तो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी राइट्स को और सेकेंड जो है पब्लिक बेनिफिट। ठीक है, तो ये दो लॉज है हमारी कंट्री में जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन को गवर्न करते हैं। नाउ लास्ट थिंग हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज है इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के लिए रिलेटेड। सो उसमें से पहला जो केस है वो है कामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1952 का केस। अभी ये पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, एक एक्ट थी 1950 की एक्ट थी जिसका नाम था बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, और इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया गया। क्यों चैलेंज किया गया था? क्योंकि ऐसा बोलना था कि ये जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है अंडर आर्टिकल 19+1+F। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कोई एब्सोल्यूट राइट आप लोगों को नहीं मिला है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये पहली बात बोल दी। सेकेंड थिंग बोला उन्होंने कि ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की लैंड को लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एडिक्वेट कॉम्पनसेशन वो देगा। ठीक है, ये दो बात यहां पर मेंशन कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस है वो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस एंड अदर्स 1954 का ये केस था। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया था कि ना सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल की लैंड, इनफैक्ट कोई ऐसी पब्लिक यूटिलिटी में लैंड यूज हो रही है अभी, और ऐसी लैंड को भी गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहता है अंडर दिस डॉक्ट्रिन तो वो कर सकता है। ओके, वो अलाउड है, लेकिन कारण क्या होना चाहिए? पब्लिक पर्पस।
कोई पब्लिक पर्पज सर्व हो रहा है और उस वजह से वो ऑलरेडी लैंड ऑक्यूपाइड है पब्लिक यूटिलिटी के लिए, फिर भी उसको वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अगेन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात बोली, क्या एम्फोसाइज किया कि भाई जो भी लैंड ओनर होगा उसको आपको कॉम्पनसेशन फेयर देना होगा। तो ये दो बात इस पर्टिकुलर केस ने बोल दी। फिर जो तीसरा वाला केस है वो है सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2018 का केस था। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंसेप्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो स्टेट को पावर मिला है ना इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के अंदर वो उसका सॉवरेन पावर है। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि इट इज डीपली इंटरलिंक्ड विच दिस डॉक्ट्रिन का जो पावर है इट इज डीपली इंटरलिंक्ड विद स्टेट सॉवरिनिटी एंड इट्स पावर। मतलब कि स्टेट जो है वो कोई भी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकता है पब्लिक बेनिफिट के लिए और वो उसका अधिकार है। और ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि एक सोशियो वेलफेयर सिस्टम हमें लानी है। हम बोल रहे हैं कि जो गोल है हमारा टू बिल्ड वॉट अ वेलफेयर स्टेट, तो वो वेलफेयर स्टेट के गोल को फुलफिल करने के लिए अगर स्टेट को लेना पड़ता है किसी के प्रॉपर्टी राइट्स को तो वो ले सकता है, वो रॉन्ग नहीं है। बिकॉज उसका ग्रेटर इंटरेस्ट, उसका मेजर इंटरेस्ट क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। तो इस एंगल से जो भी कुछ ले रहा है वो गलत नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में गया था जो पिटिशनर लेके, उन्होंने बोला कि मेरा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट हो रहा है, स्टेट जो है वो मेरी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकता है, फिर भी क्यों लिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई वो ले ही सकता है अगर रीजन हो पब्लिक बेनिफिट का। तो अगेन यहाँ पर ये बातें एम्फोसाइज कर दी। एंड लास्ट वाला जो केस है दैट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर हकीम, और ये 2021 का केस था। इस पर्टिकुलर केस में जो मिस्टर हकीम था उसकी लैंड एक्वायर की थी गवर्नमेंट ने हाईवे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए और उसको कुछ कॉम्पनसेशन दिया था। मिस्टर हकीम का कहना था कि ये जो कॉम्पनसेशन मिला है मुझे वो लोअर है, मतलब लैंड जो मेरी है उसकी मार्केट वैल्यू से मुझे कम कॉम्पनसेशन मिला है, तो आप मेरा कॉम्पनसेशन बढ़ाने का कुछ काम करो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मेरा ये रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के नॉट इंक्रीज द कॉम्पनसेशन, वो किसी भी कॉम्पनसेशन को इंक्रीज नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो रेमिट कर सकता है, मतलब वो कैंसिल कर सकता है या फिर ये ऑर्डर को साइड में रख सकता है, लेकिन कॉम्पनसेशन बढ़ाने का काम जो है वो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। सो इन सब केसेस के थ्रू हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इनफैक्ट जब हम कॉम्पनसेशन की बात करें तो उसमें भी हम लोग 100% कोई गारंटी नहीं लेगा, ना लॉ लेगा ना सुप्रीम कोर्ट लेगा कि भाई आपको प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली जो भी पर्टिकुलर लॉज बने हैं, जो भी पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है, उसमें ये मेंशन किया है कि भाई जिस भी इंडिविजुअल की आप लैंड लेते हो उसको आप एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करो, उसको आप फेयरली कॉम्पनसेट करो। तो ये जो चीज है वो ध्यान में रखती है गवर्नमेंट, इनफैक्ट जितना उनसे हो सकता है वो एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करती है। बट अगेन वन थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर इज दैट कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपका जो भी मार्केट वैल्यू होगा वो सेम टू सेम वैल्यू आपको मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।